मंगलम अयंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम गुरुवधीमन देवो मंगलम अत्तारी लोकोत्तमा अयंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा देवधीमन देवो लोकोत्तमा अत्तारी शरणं भवज्यामि अयंते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहु शरणं भवज्यामि देवधीमन संगमं शरणं भवज्यामि अयंते जीवो शरणं सिद्ध जी को शरण साधु जी को शरण दया धर्म को शरण ईश्वर शरण दुख हरण जीवन और सबो ने को जो भव प्राणी आदर सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण पालनम प्रदानम सर्व धर्मानाम जैनम जय विनाशनम। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। सादर जय जिनेन्द्र। लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब के स्वास्थ्य लाभ एवं दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए वंदन नमन। अतर विराजित सभी चरित्र आत्माओं को वंदन। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मारवाड़ की इस पावन भूमि पर रूप रजत फाउंडेशन के सदस्यों की कठोर तपस्या एवं अथक प्रयासों से काटा प्रांत के गौरव एवं ऐतिहासिक व बहुपयोगी भवन रूप रजत विहार का निर्माण बहुत ही अल्प समय में हुआ। इस श्रेष्ठतम उपलब्धि के लिए रूप रजत फाउंडेशन को साधुवाद एवं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। किसी भी महान महापुरुष का जीवन जो समुद्र के समान विशाल है तथा उनके जीवन को संक्षिप्त में वृत्त चित्र के माध्यम से दिखाना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। दिव्य विभूति श्रवण सूर्य मरुधर केसरी वरिष्ठ प्रवर्तक परम पूजनीय श्रद्धेय गुरुदेव श्री मिश्री मलजी महाराज सा व लोकमान्य संत शेरे राजस्थान प्रज्ञा पुरुषोत्तम परम पूजनीय श्रद्धेय गुरुदेव श्री रूप चंद जी महाराज सा रजत जैसे दो महान महापुरुषों के जीवन के कुछ प्रमुख पलों को दिखाने का हमने तुच्छ प्रयास किया है। श्रद्धेय गुरुदेव श्री रूप चंद जी महाराज सा रजत पूज्य गुरुदेव मरुधर भूषण शासन गौरव श्रवण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी महाराज सा तपस्वी रत्न ज्योतिष सम्राट श्री अमृत मुनि जी महाराज सा कवि प्रवक्ता डॉक्टर श्री अमरेश मुनि जी महाराज सा निराला श्री हरीश मुनि जी महाराज सा आदि संतों के शुभाशीष व मार्गदर्शन से तथा सिकंदराबाद निवासी श्री गौतम चंद जी गुगलिया के संग्रह व पटकथा एवं देवेंद्र जी शास्त्री के निर्देशन में व वैरागी वरुण कुमार जैन परम गुरु भक्त चैतारण निवासी श्री माणक राज जी डांगा पानी निवासी श्री नेमी चंद जी चोपड़ा सोचत सिटी निवासी श्री मघराज जी धोका व रूप रजत फाउंडेशन के सदस्यों के सुझावों से तथा संकल्प और साधना के धनी दिव्य विभूति एक संत कथा अनंत दिव्य विभूति का दिव्य जीवन रूप रश्मि सद्भावनाओं का शिलान्यास श्रवण संग आदि अनेक पुस्तकों से व विभिन्न स्थानों से प्राप्त जानकारी तथा प्रकाशित फोटो व रचनाओं के आधार पर इस वृत्त चित्र को संजोया गया है।
इस वृत्त चित्र में हमने उपरोक्त गुरुदेवों, गुरु भक्तों तथा पुस्तकों से प्राप्त कई नामी अनामी संतों, साहित्यकारों एवं लेखकों के साहित्य, सुवाक्यों एवं प्रकाशित चित्रों का उपयोग भी किया है। उन सभी के हम आभारी हैं। हमने पूर्ण सावधानी व ध्यान पूर्वक इस वृत्त चित्र को बनाया है, फिर भी सम्यक ज्ञान की निर्मलता न होने के कारण हमसे जाने अनजाने जिन आज्ञा गुरु आज्ञा विरुद्ध कहने में आया हो या कोई त्रुटि हुई हो या सहयोगियों का नाम छूट गया हो तो हम उन सभी से अंतर मन से क्षमा याचना करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। विशेष, यह वृत्त चित्र ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है एवं इसे वास्तविक रूप देने के लिए नाट्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुति की गई है, इसे अन्यथा न लें। हमने इस वृत्त चित्र में ज्यादातर ईसवी वर्ष का उपयोग किया है जो संवत से लगभग 57 वर्ष कम है। विनती, यह वृत्त चित्र दो महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डालेगा, अतः ध्यान पूर्वक इसे देखने का प्रयास करें। श्री मरुधर केसरी के जीवन को और विस्तार में जानने के लिए तपस्वी रत्न ज्योतिष सम्राट श्री अमृत मुनि जी महाराज सा द्वारा लिखित चित्र कथा दिव्य विभूति का दिव्य जीवन अवश्य पढ़ें। जय जैनेन्द्र। भारत की वसुंधरा नैसर्गिक गुणों एवं प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब है। सृष्टि के आरंभ से ही आर्य पुत्रों की यह भूमि साधना, तप और धर्म के रास्ते मानवीय जीवन के कल्याण में लगी हुई है। समय समय पर कई महापुरुषों, साधु संतों, अध्यात्म दृष्टाओं ने इस पावन धरा पर जन्म लेकर मानव के उद्धार एवं जीव दया जैसे कर्मों को करने का मार्ग प्रशस्त करते चले आ रहे हैं। यही कारण है कि हम भारतीय आज संपूर्ण विश्व में मानव के उद्धार एवं जीव दया जैसे कर्मों को करने में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। राजस्थान, भारत के पश्चिमी आंचल में बसा यह प्रांत कला, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का पावन क्षेत्र है। महान साधु संतों की ये तपोभूमि व अनन्य भक्तों की भक्ति का ये पावन क्षेत्र और स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले वीर सपूतों की ये प्रसव भूमि वंदनीय है। यहाँ की धारा में छिपे शौर्य के पाषाण और रहस्य की परतें जितने भी खोलते जाएंगे, नए नए संदर्भ और नई नई विचारधाराएं निकलेंगे। मानवता का पाठ पढ़ाने, धर्म के रास्ते जीवन गुजारने, युगांतरों से ये भूमि नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। धर्म और संस्कारों की इस कड़ी में अहिंसा परमो धर्म घटक इन्हीं में से एक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को अहिंसा परमो धर्म का मार्ग दिखलाया। वीर श्री लोकाशाह आचार्य श्री धर्मदास जी, आचार्य श्री धन्ना जी, आचार्य श्री भूधर जी, आचार्य श्री रघुनाथ जी, आचार्य श्री जयमल जी, आचार्य श्री कुशल लोजी, आचार्य श्री अमर सिंह जी जैसे संत एवं महान विचारकों की पवन धारा ये राजस्थान। इसी श्रृंखला में स्थानक वासी जैन परंपरा के महान ज्योतिर्धर परम पूज्य दादा गुरु बहुश्रुत्र आचार्य सम्राट श्री रघुनाथ मल जी महाराज सा के पट्टधर श्री मानमल जी एवं गुरु श्री बुद्धमल जी महाराज सा एवं साधना के शिखर पुरुष एवं उच्च कोटि के शास्त्रज्ञ, चरित्र निर्माता, वैचारिक प्रचारक और अलौकिक प्रवृत्तियों के पक्षधार दिव्य विभूति श्रमण सूर्य मरुधर केसरी वरिष्ठ प्रवर्तक परम पूज्य श्री मिश्री मल जी महाराज सा
20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ महात्मा हुए हैं। वर्तमान में इसी परंपरा के प्रबल समर्थक लोकमान्य संत शेरे राजस्थान प्रज्ञा पुरुषोत्तम परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव श्री रूपचंद्र जी महाराज सा रजत इसी श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो अपने नेतृत्व में विश्व का कल्याण करने के लिए इसी परंपरा को सशक्त कर समस्त मानवीय जीवन के उद्धार व पशु कल्याण में लगे हुए हैं। संति संति करे लो ये पत्तो गई मनोत्तरम। राजस्थान का मरु प्रदेश, जिसको मरु घर कहते हैं, वहां अनेक संत हुए पहले, कई तपस्वी कई प्रभावशील। मौजूदा समय में मरधर केसरी जी महाराज, श्री मिश्रीमल जी महाराज निडर थे, निर्भय थे, किसी से भय खाने वाले नहीं थे, इसलिए जनता ने उनको मरधर केसरी की उपाधि से सम्मानित किया। षष्ठ रक्ता थे, तेजस्वी पुरुष थे। वो मरधर केसरी का ये हमारी परंपरा का ये सिंगारा है। उन्होंने 65 वर्ष तक संयम की आराधना की और हजारों संस्थाओं का निर्माण किया। वो मरधर केसरी जी महाराज, जिनका 28 को जन्मदिन आ रहा है, जिन लोगों ने उनकी सेवा की है, दर्शन किए हैं, उनको पता है कि मरधर केसरी जी कैसे थे। एक उपाधि दे दे और उपाधि लागू नहीं हुए। बिल्ली से भय खाता है, रात को अकेला बाहर नहीं जा सकता और उनको कह दे ये केसरी है, वो केसरी नहीं होता। दुनिया से भय नहीं खाने वाले, भय खाते थे जन्म मरण से कि इनको भय करके इसको समाप्त करना। तो उन्होंने संयम 65 वर्ष तक संयम की क्या है आराधना की, फिर संथारा किया और इस दुनिया से क्या है चले गए। ऐसे थे मरधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज, उसका सब परिवार आज आपके सामने क्या है या मौजूद है। उनके पर विश्वास रखने वाला, उन पर भरोसा रखने वाला, उनके प्रति भक्ति रखने वाला, जो भी भक्त हैं श्रावक हैं, वो आज भी सुखी है। विश्वास में धर्म है, श्रद्धा में धर्म है, भरोसा में धर्म है। भक्ति भी अगर विश्वास से करें वह सफल हो जाती है। तो आप भी उसी प्रकार गुरु भक्ति रखोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। प्रणाम गुरुदेव, मुझे पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। आइए हम आपको परम पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के अब तक के जीवन का परिचय दें। परम पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब का जन्म ऐतिहासिक और व्यवसायिक नगरी पाली में धर्मनिष्ठ और कर्तव्य पारायण परिवार में श्री शेषमल जी सोलंकी मेहता और ममतामयी माँ सौभाग्यवती श्रीमती केसर कंवर के यहाँ विक्रम संवत 1948 श्रावण शुक्ल चतुर्दशी मंगलवार दिनांक 18 अगस्त 1891 को हुआ। आप श्री सात घरों में इकलौते होने के कारण बड़े ही लाड़ प्यार से आपका लालन पोषण हुआ।
आपके पिताश्री जोधपुर नरेश के प्रमुख सामंत भाद्राजुब नगर के राजा के विश्वास पात्र प्रमुख कामदार थे। अपनी कार्य क्षमता और राजकीय निष्ठा के प्रति पूर्ण वफादार रहने के कारण ये राजा के साथ साथ प्रजा के भी निकट थे। 5 वर्ष की अल्प आयु में बालक मिश्रीमल के वात्सल्यमयी माता का स्वर्गवास हो गया। माता के विछोड़ होने पर आपके पिताश्री ने पाली से भाद्राजून में निवास करने का निर्णय लिया। मुख पर तेज और अलौकिक प्रतिभा के धनी बालक मिश्रीमल के आभा मंडल के सौंदर्य को देख सभी तत्क्षण इनके सम्मोहन में बंध जाते थे। राजा साहब की माताजी मांजी देवड़ी जी ने अपने पुत्र का राजकुमार की तरह आपश्री का लालन पालन और संवर्धन करने का निर्णय किया। कुशाग्र बुद्धि एवं जिह्वा पर सरस्वती का वास इनके जीवन को समस्त विधाओं से पोषित कर रही थी। कुल 7 वर्ष तक आपका पालन पोषण राजघराने में हुआ। कुछ अंतराल पश्चात भाद्राजून नगर के राजा और आप श्री के पिताजी के बीच कुछ राजसी मतभेद उभरने के कारण 12 वर्ष की आयु में पुनः अपने पिता के साथ पाली आ गए। पाली में एक व्यावहारिक पाठशाला में पढ़ते हुए आपश्री ने विलक्षण बुद्धि व स्मृति के कारण जो पाठ्यक्रम 2 वर्षों का था उसे 6 महीनों में ही पूर्ण कर लिया। ज्ञानावरणीय कर्म के चलते आप जो कुछ पढ़ते थे वह हृदयंगम कर लेते थे। गणित, महाजनी, लेखा, पहाड़े, संस्कृत, उर्दू के फायदे, इंग्लिश में ऐसे निपुण हो गए मानो साक्षात सरस्वती ही आपकी जिह्वा पर वास करती हो। आप श्री के तीव्र गति से लगभग इसी समय परम प्रतापी श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी श्रीमान मलजी महाराज सा और स्वामी जी श्री बुधमल जी महाराज सा नगर में पधारे। अनेक श्रावकों की बिनती पर श्रद्धेय गुरुदेव शेष मलजी के निवास पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया। बालक मिश्रीमल के मुख पर तेज देख उनकी अलौकिक पारखी नजरों ने जान लिया कि ये तेजस्वी बालक एक दिन महानायक हो सकता है। धीरे धीरे वो पूर्ण स्वस्थ होने लगे। महाराज साहब, आपकी कृपा से मेरा बच्चा ठीक होने लगा है। शेषमल जी, यह बालक अगर धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर ले तो समाज को काफी लाभ हो सकता है। मैं इसके ठीक होने पर गुरुदेव आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। कुछ काल पश्चात जब पूज्य गुरुदेव पुनः पाली पधारे तब उन्होंने शेष मलजी से उनके किए गए वादे को याद दिलाया। शेषमल जी टालम टोल करने लगे। लिखित मिह ललाटे प्रोज्झितुम कह समर्थः, अर्थात नियति भविष्य के निर्माण को सुदृढ़ करने और अपनी सत्ता को चलाने व संभालने के लिए अपने पांसे फेंकती है। पूज्य गुरुदेव की पैनी नजर और दूरदर्शिता ने होनी का खेल देख लिया। कुछ कार्यवश एक दिन आपके पिता श्री शेषमल जी अपने पैतृक गांव राणा गए हुए थे और यहां बालक मिश्रीमल को गुरुदेव के प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव के प्रवचन व वाणी से वे ऐसे प्रभावित हुए कि अक्षय तृतीया के दिन विहार में गुरुदेव के साथ साथ नीमली गांव की ओर निकल पड़े।
जब पिता पुनः लौटे तब अपने मित्रों द्वारा सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो क्रोध से दिल मिला गए और उत्तेजित हो गुरुदेव के पास सुरपुरा गांव पहुंचकर बालक मिश्री मल को घर चलने के लिए अनेक प्रलोभन दिए। नहीं, नहीं। देख देख बेटा, तू मेरा अच्छा बेटा है ना, हाँ? ये साधु के बीच में क्या रखा है? साधु बनने से कोई फायदा नहीं बेटा। अरिहंत अरिहंत, चलो घर चलो बेटा, हाँ चल चल घर चल बेटा, अभी तुझे आगे पढ़ना है, राज दरबार में नौकरी करनी है, कर रही है ना? नहीं बेटा, तू मेरा एक ही बेटा है बेटा, तू ये महाराज बनेगा तो मैं क्या करूंगा बेटा? नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे यही रहना है। सुन बेटे, सुन, तेरे बिना मैं क्या करूंगा, चल चल घर चलते। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। चलो भी, अपना घर अच्छा है बेटा, नहीं आना है, चलो। लेकिन उन पर किसी भी प्रलोभन या दबाव का कोई असर नहीं पड़ा। हताश होकर पिता ने गुरुदेव और उनके समर्थकों पर मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन जोधपुर निवासी भंडारी खूबचंद जी की मध्यस्थता से कार्यवाही में ढिलाई आ गई। गुरुदेव के चरणों में बालक मिश्री मल ने साधु सदाचारी विधि व शास्त्रों का अध्ययन करते हुए शास्त्रों में पारंगत होने लगे। वर्ष 1912 में मादलिया गांव से विहार के दौरान परम पूज्य श्री मानमल जी महाराज सा और श्री बुधमल जी महाराज सा को वहां के श्रावकों ने और कुछ दिन रुकने का अनुरोध किया। गुरुदेव, दो तीन दिन और रुकिए, हमको भी थोड़ा सा धर्म लाभ दीजिए। रुकने के आग्रह पर बालक मिश्री मल ने श्रावकों से कहा, श्रावक जी, आपने धर्म ज्ञान त्याग तप सामयिक आदि क्रियाएं की नहीं, अतः ऐसे स्थान पर किसी भी संत का रुकना व्यर्थ है। धर्म के प्रति आस्था, जीवन के प्रति अनुशासन और शास्त्र सम्मत ज्ञान को देख गुरुदेव अत्यधिक प्रभावित हुए। वर्ष 1914 जोधपुर में और वर्ष 1915 जैतारण में अनेक संतों के समक्ष अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं धर्मशास्त्र ज्ञान की महानता का परिचय दिया। इस बीच बालक मिश्रीमल को पुनः लेने के लिए उनके पिताश्री पहुंचे, पर वे दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे। गुरुदेव श्री मानमल जी महाराज सा ने उनके भविष्य व विवाह के संबंध में उनसे पूछे जाने पर उन्होंने दृढ़ता से विवाह न करने व दीक्षा लेने का संकल्प दोहराया। इस पर गुरुदेव ने पिता की आज्ञा के बिना दीक्षा न देने की बात कही। तब उन्होंने उसे स्वीकारते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ले ली। वर्ष 1917 में श्रद्धेय गुरुदेव श्री मानमल जी महाराज सा विहार करते हुए भावी गांव पहुंचे। वहां स्वामी जी श्री जगमल जी महाराज सा व स्वामी श्री प्रसन्न चंद्र जी महाराज सा का मिलन हुआ। स्वामी श्री प्रसन्न चंद्र जी महाराज सा द्वारा महाभारत के कथानक को 265 लावण्यों में संक्षिप्त व सुंदर रूप से रचित रचना द्विशत पणट्ठी की प्रतिलिपि बनाने के भाव गुरुदेव श्री मानमल जी ने व्यक्त किए, लेकिन स्वामी जी ने मना कर दिया। इस पर गुरुदेव के अनुरोध पर उन्होंने उसे रात्रि में सस्वर लय युक्त गाकर श्रवण करवाया। वैरागी मिश्री मल ने श्रवण करते करते उसे कंठस्थ कर लिया तथा रात्रि चंद्रमा की ज्योत्सना में कंठस्थ की हुई रचना को लिपिबद्ध भी कर डाला। प्रातः गुरुदेव के समक्ष पेश करने पर स्वामी जी और गुरुदेव चकित व विस्मित हो गए। इतनी कम उम्र में ऐसी असाधारण स्मरण शक्ति का परिचय सर्वथा आश्चर्यजनक था। इस घटना से प्रभावित ग्रामवासियों ने गुरुदेव से वैरागी मिश्री मल को दीक्षा करवाने का अनुरोध किया, परंतु पिता की सहमति के बिना गुरुदेव ने दीक्षा देने से फिर इनकार कर दिया। वर्ष 1917 जोधपुर में माघवद आठम को श्रीमान मलजी महाराज सा ने 6 दिन के संथारे के सहित महाप्रयाण किया। तत्पश्चात सोजत नगर निवासियों ने पुनः पूज्य श्री बुधमल जी महाराज सा से
वैरागी मिश्री मल को दीक्षा करवाने का अनुरोध किया, पर गुरुदेव मौन रहे। मौन को स्वीकृति समझकर सोजत नगर वासियों ने दीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी, पर इनके पिता श्री शेष मल जी ने दीक्षार्थी अल्पायु है और साधु उन्हें भगाकर ले आए, इस बात पर झूठा मुकदमा दायर कर दीक्षा रोकने का आदेश ले आए। जब पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंची और वैरागी मिश्रीमल से पूछे जाने वाले सवालों का उनके द्वारा दिए गए समुचित उत्तर से संतुष्ट होकर उन्होंने दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया। इस तरह तमाम विरोधों और अवरोधों के बाद राजाज्ञा व पिता की आज्ञा प्राप्त कर सोजत नगर में वैरागी मिश्रीमल ने 27 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1975 वैशाख सुद तृतीया सोमवार दिनांक 13 मई 1918 को मुनि वृंदों, महासतियों तथा विशाल जन समूह की उपस्थिति में दीक्षा ग्रहण की। इसी के साथ जैन श्रमण समाज में एक और नए सूरज का उदय हुआ। दीक्षा के बाद आपने श्रमण काल में व्याकरण, न्याय, साहित्य, दर्शन, जैन दर्शन आदि अनेक ग्रंथों का आपने गहन अध्ययन किया। वर्ष 1920 से दर्शन शास्त्र पर सरल भाषा में प्रवचन देने लगे। वर्ष 1924 में सहवाज नगर चातुर्मास में आप श्री ने शास्त्रों पर एवं प्रथम बार महाभारत की कथा पर रोचक और सरस ढंग से प्रवचन दिया, जिस पर सभी आत्मविभोर हो उठे एवं आसपास गांवों के हजारों लोग उनके प्रवचन में आने लगे। विक्रम संवत 1985 पौषवद एकम दिनांक 27/12/1928 को गुरुदेव श्री बुधमल जी महाराज साका कुरडाया गांव में संथारा सहित स्वर्गवास हो गया। इस दुखद घटना से मुनि श्री मिश्रीमल जी को तीव्र आघात लगा। गुरुदेव श्री का स्मरण बार बार उनके मानस पटल को झकझोर रहा था, जिसके कारण आपके शरीर पर कुप्रभाव पड़ने लगा। इसी दशा में माघ शुक्ल तीज को आप श्री को अंतरिक्ष में एक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा और दिव्य वाणी सुनाई पड़ी। धैर्य धारण करो मिश्रीमल, क्यों व्याकुल हो रहे हो? तुम्हारा पुष्ट पोषक मैं हूं, सब प्रकार से आनंद ही होगा। इस दिव्य वाणी को सुनकर आप श्री को मन में अपूर्व शांति और धैर्य का प्रतिभास हुआ। अपने 66 वर्षों के संयमी जीवन में आपकी विद्वता प्रकाश पुंज की तरह फैलती गई। शास्त्रार्थ में पूर्ण रूप से पारंगत हुए। समाज से अंधविश्वास, मिथ्या, कुरीतियां, आडंबर दूर होने लगे। धर्म का संचार हुआ और समाज कल्याण व पशु रक्षा के अनेक कार्य संपन्न हुए। जन कल्याण की भावना से ओत प्रोत गुरुदेव ने सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आप श्री की प्रेरणा से स्थानक भवन व शिक्षण संस्थान, छात्रावास, ग्रंथालय, चिकित्सालय, गौशालाएं, बकराशालाएं आदि 300 से अधिक सेवा केंद्रों की स्थापना हुई। आप श्री ने स्थानकवासी जैन समाज में कई दीर्घ तपस्याएं की, प्रेरणा दी व वर्षी तप पारणा समारोह की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाया। आप श्री ने अक्षय तृतीया के महत्व को समझाया व इक्षु रसपान द्वारा वर्षी तप पारणे संपन्न करवाए और उन्हें संघ द्वारा सम्मानित करने की परंपरा भी प्रारंभ की। वर्ष 1929 में सोजत नगर के चातुर्मास से आप श्री परम पूज्य श्री रघुनाथ मलजी महाराज साकी
संप्रदाय के पट्टधर शिष्यों में प्रमुख संप्रदाय शिरोमणि हो गए। दिन में प्रवचन तथा चांदनी रात में लेखन आप श्री का नित्य क्रम बन गया था। वर्ष 1929 में सोजत नगर में आप श्री ने अपने जीवन की प्रथम कृति पद्मशैली में शिक्षा प्रद भजनों की रचना जैन दिल खुश बहार का संपादन कर लोकार्पण किया। परम पूज्य मिश्री मलजी महाराज सा ने गद्य एवं पद्य में 181 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जो 5000 पृष्ठों में समाहित है। इनके दो महाकाव्य राम यशो रसायन अर्थात राम कथा पर आधारित तथा पांडव यशो रसायन जो कि महाभारत पर आधारित है, आज भी मील के पत्थर हैं। आप एक विख्यात आशु कवि थे। आप श्री स्थानकवासी श्रमण परंपरा के प्रभावशाली संतों में से एक थे। वर्ष 1930 बड़ुंदा चातुर्मास में श्री अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा बृहद साधु सम्मेलन वर्ष 1933 में चैत्र शुक्ल नवमी को अजमेर में करवाने की जानकारी मिलने पर उसमें अग्रणी रूप से भाग लेने लगे। आप श्री ने सभी स्थानकवासी संप्रदायों को एक मंच पर लाने के लिए पत्राचार एवं श्रावकों के माध्यम से इस सम्मेलन को सफल बनाने का सारे देश में उत्साह भर दिया। इसी दायित्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने सुदूर गुजरात काठियावाड़ तक बिहार किया। वर्ष 1932 में वापसी के समय आबू रोड पर महान योगीराज श्री विजय शांति सुरीश्वर जी महाराज सा के संदेश पर आप स्वयं 11 ठाणे गुजराती संतों सहित माउंट आबू में श्री विजय शांति सुरीश्वर जी के साथ 4 दिनों तक रहे। मंगलवार दिनांक 4 अप्रैल 1933 को अजमेर वृहद साधु सम्मेलन में स्थानकवासी 32 संप्रदायों के 261 संत व 80 सतियों एवं 1,00,000 से अधिक श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में आप श्री का विशेष योगदान रहा तथा कार्यक्रम के दौरान आप श्री को मंत्री पद से सुशोभित किया गया। इसी प्रकार सादड़ी सत्य सिद्ध हुई। त्यागी संत विश्व हितकर होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम उनका आदर्श होता है। जैन आगम स्थानांग सूत्र में भी राष्ट्र धर्म ग्राम धर्म आदि 10 धर्मों का उल्लेख किया गया है। जिस राष्ट्र की धरती पर जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना जरूरी है। वर्ष 1927 में स्वाधीनता आंदोलन के समय आप श्री का चातुर्मास सोजत रोड में चल रहा था, तब आपने राष्ट्र धर्म निभाते हुए राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत कई व्याख्यान दिए, जिसकी चर्चा चहुं ओर होने लगी। आप श्री के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल और मणिलाल भाई ने सोजत रोड आकर आप श्री के दर्शन किए व हजारों की जनमेदनी के बीच प्रवचन सुनकर प्रभावित हुए तथा उन्होंने आप श्री को गुजरात पधारने की विनंती भी की। उस समय आप श्री जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के टिफिन की व्यवस्था श्रावकों के द्वारा करवाते थे। आप श्री स्वयं खादी ही पहनते थे। संबत 2006 वैशाख सुद 2 दिनांक 30 अप्रैल 1949 को शांत मूर्ति कविवर्य स्वामी जी श्री मोतीलाल जी महाराज सा का देवलोक गमन होने से परम पूज्य श्री मुनि रूपचंद जी एकांकी हो गए। सादड़ी संघ के अनुरोध पर एवं मुनि श्री रूपचंद जी की सहमति पर मरुधर केसरी ने उन्हें सोजत में अपने सिंघाड़े में सम्मिलित कर लिया। परम पूज्य मरुधर केसरी के आशीर्वाद ने युवा मुनि श्री रूप मुनि जी को प्रेरणा पथ तप व संयम जीवन को गति प्रदान की, जिससे उनको आगे बढ़ने का संकल्प प्राप्त हुआ। आइए हम आपको परम वंदनीय लोकमान्य संत शेरे राजस्थान प्रज्ञा पुरुषोत्तम वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज सा के अब तक के जीवन का परिचय दें। राजस्थान की मरुधरा पाली जिले के नाडोल नगर का प्रांगण
प्रसन्नता की पीयूष वर्षा से नहा उठा। जब नाडोल के प्रतिष्ठित गोस्वामी गृहस्थ योगी श्री भैरूपुरी जी की धर्म पत्नी श्रीमती मोतीबाई के आंचल में आप श्री का जन्म हुआ। मायड़ मोती कूक उजाली भैरुहार ही अरारे प्रगटियो सूरज नारद पुरी में गायो बंधावो रे रूप गुण गावो रे रूप गुण गावो रे आप श्री का जन्म विक्रम संवत 1983 श्रावण शुक्ल दशमी गुरुवार 19 अगस्त 1926 को रवि पुष्य नक्षत्र में हुआ। मानो ऐसे लग रहा था जैसे इंद्र धनुष के 7 रंगों के बीच एक 8वां रंग क्षितिज से उतर अवनी के आंचल में फैल गया हो। पाल ने झूलते हुए चांद को देखकर कुल गुरु ने नामकरण संस्कार कर उस नन्हे बालक का नाम रूपपुरी रखा। घर घर बधाइयां बटने लगी। भरे पूरे परिवार में खेलते कूदते बड़े ही लाड़ प्यार से आप श्री का लालन पोषण होने लगा। एक समय का वाक्या है, नाडोल स्थित 1900 वर्ष पुराने ऋषिकेश्वर महादेव मंदिर में बालक रूपपुरी लगातार पूजा करने जाया करते थे। उस वक्त आपकी उम्र लगभग 8 वर्ष रही होगी। अलख निरंजन, बच्चा बड़ा होकर महान संत बनेगा, आएगा मेरे साथ? नहीं, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आएगा मेरे साथ? मैं नहीं आऊंगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। नहीं छोड़ेंगे। ये घटना इस बात को दर्शाती है कि जो साधु महात्मा के दर्शन उन्हें उस पावन धरा पर हुए थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से बालक में आगे चलकर देश व समाज को एक नई दिशा व दशा देने वाला महान नायक देखा था। आपकी शुरुआती प्राथमिक शिक्षा गांव एंदला का गुड़ा गुरु शंकरपुरी जी के वहां और आध्यात्मिक शिक्षा अपने कुलगुरु शैव संप्रदाय के आरणेश्वर महादेव के मठाधीश स्वामी शंकर भारती जी के सानिध्य में हुई। यहां पर आपने शिक्षा के साथ साथ योग प्राणायाम एवं हठ योग की कठिन साधना भी की। सौभाग्यवश इसी बीच प्रथम बार महान संत जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब के प्रथम दर्शनों का लाभ हुआ। एक दिन अचानक रूपपुरी जी के सशक्त मार्गदर्शक स्वामी शंकर भारती जी इस संसार से विदा हो गए। गुरु के उत्सर्ग के बाद रूपपुरी जी को आरणेश्वर महादेव के ऐश्वर्यशाली मठ के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ, किंतु आपने कहा, मैं तो यहां साधना के लिए आया था, उत्तराधिकारी बनने के लिए नहीं। ये कहकर वे घर लौट आए। उनके मन नयन एक बार फिर ऐसे समर्थ गुरु को ढूंढने लग गए जो उनकी अपूर्ण साधना शिल्प को संपूर्णता में बदल सके। विक्रम संवत 1999 आषाढ़ वद जून 1942 में एक दिन ऐसा लग रहा था मानो उनके हृदय द्वार पर कोई दस्तक दे रहा हो। जैसे ही उन्हें समाचार मिले कि नाडोल नगर में जैन गुरुदेव प्रवर्तक श्री धीरज मलजी महाराज साहब
व शांत मूर्ति कविवर्य स्वामी जी श्री मोतीलाल जी महाराज साहब का आगमन हुआ है। वे एक रहस्यमय आकर्षण की डोर से बंधे हुए उनके दर्शन को पहुंचे। केवल दर्शन मात्र से ही उनके चित्त का अविरल प्रवाह समाधिस्थ हो गया। गुरुदेव के श्री चरण स्पर्श को पाते ही उनकी आंखों से आस्था की निर्झरणी बह चली। गुरु ने कुछ कहे बिना उनके मस्तक पर आशीष का अभिषेक कर दिया। उनके रोम रोम में प्रकाश फूट पड़ा। वे निर्वाक थे, नयन ही उनके आंतरिक उल्लास को भाषा दे रहे थे। बालक रूपपुरी ने गुरुदेव के पास दीक्षा लेने की मन में ठान ली और श्रद्धेय गुरुदेवों के साथ साथ सोजत नगर को निकल पड़े। गुरुदेव के साथ रहते हुए प्रतिक्रमण, धर्म आराधना व साधु क्रिया का अध्ययन करने लगे। इसी चातुर्मास काल में प्रवर्तक श्री धीरज मलजी महाराज साहब ने 3 दिनों के संथारे के साथ देवलोक प्रयाण किया। श्री मोतीलाल जी महाराज साहब एकाकी हो गए। तत्पश्चात जोधपुर श्री संघ ने श्रद्धेय गुरुदेव श्री मोतीलाल जी महाराज साहब से वैरागी रूपपुरी की दीक्षा कराने की विनती की, जिसे गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान की। विक्रम संवत 1999 माघ शुल्क त्रयोदशी शुक्रवार 30 जनवरी 1942 को जोधपुर में परम पूज्य गुरुदेव श्री मोतीलाल जी महाराज ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही बालक रूपपुरी को दीक्षा अंगीकार करवाकर श्रमण परंपरा की संपदा प्रदान करते हुए रूप मुनि नाम से सुशोभित किया एवं आप श्री का प्रथम चातुर्मास जालोर में हुआ। दीक्षा लेने के पश्चात मुनि श्री ने अरावली के पहाड़ों और जंगलों के बीच रहकर कठोर तपस्या और साधना की। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, आगम, जिनागम, व्याकरण, न्याय दर्शन, ज्योतिष आदि का अध्ययन करने लगे। दीक्षा ग्रहण करने के 6 वर्ष बाद ही गुरु श्री मोतीलाल जी महाराज साहब का संथारे सहित स्वर्गवास हो गया और वे चाचा व शिक्षा गुरु श्री मरुधर केसरी की छत्र छाया में आ गए तथा उनके साथ कुरुड़ाया में पहला चातुर्मास किया। यहां से श्री रूप मुनि जी महाराज साहब ने मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के साथ 34 चातुर्मास किए एवं अपने चाचा व शिक्षा गुरु श्री मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के हर कार्य में सहयोगी बने। आप अपने शिक्षा गुरु के साथ रहते रहते धर्म एवं शिक्षा के मूल गुणों को समझने लगे एवं हर एक घटनाओं के साक्षी रहे। आइए यहां से पुनः हम संयुक्त में श्री मरुधर केसरी महाराज साहब और श्री रूप मुनि जी महाराज साहब के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त में दिखाते हैं। इसी चातुर्मास काल में मादलिया गांव में एक खूंखार डाकू कल्याण सिंह ने गांव को घेर लिया। धन कोषण ने 20 धारवी गांव मदलियो घेर लियो। बाबा रो चमासो सुनने पाछो दलबल फेर लियो। शीश झुका सरदार चरण में अर्ज करे मंगले श्री। जैन धर्म रो साचो जोगी बाबा मरुधर केसरी। वर्ष 1953 का बिलाड़ा चातुर्मास। बाणगंगा नदी के तट पर बसा ये क्षेत्र आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इस पवित्र पावन क्षेत्र को तीर्थ स्वरूप माना जाता है।
नदी के तट पर एक कुंड है और यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो कोई इसमें स्नान करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस कुंड से मछली पकड़ना निषेध है, फिर भी कुछ दुष्ट स्वभावी मुसलमान युवक निषेध आज्ञा का उल्लंघन कर चोरी छिपे मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करते थे। गुरुदेव श्री शौचादि निवृत्ति के लिए प्रायः बाणगंगा नदी की ओर जाते थे तथा युवकों द्वारा ले जा रहे मछलियों की तड़प से विचलित हो उन्होंने कई बार उन युवकों से प्रेम पूर्वक मछलियां नहीं पकड़ने की सलाह दी। संवत 2010 श्रावण वद अमावस दिनांक 9 अगस्त 1953 को गुरुदेव श्री एवं मुनि श्री रूपचंद जी महाराज साहब नित्य क्रम आदि से निवृत्त होकर वापस थानक की ओर लौट रहे थे। तभी एक मौलवी और 4 अन्य युवकों ने वहां आकर उन्हें डराना और धमकाना शुरू कर दिया। तू हमसे मछली पकड़वाना बंद करना चाहता है? ले मजा चक, मारो! लाठियों के प्रहार से गुरुदेव श्री लहू लुहान हो गए और वहां से शांति व मौन धारण कर स्थानक की ओर लौट गए। गुरुदेव श्री ने उपचार के लिए मुनि श्री को श्री पुखराज जी ललवानी के वहां से टिंचर की शीशी लाने को कहा। पुखराज ललवानी के वहां से जाके टिंचर की शीशी लेके आओ, जाओ। ललवानी जी को जब ये पूरी घटनाक्रम का पता चला तो वे तुरंत मुंसिफ श्री विजय सिंह जी के साथ स्थानक पहुंचे। गुरुदेव, ये क्या हो गया? गुरुदेव, साता में ना, ये लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है गुरुजी। क्षमा करे उन्हें, उन्हें क्षमा करे, समाधि। गुरु जी की ये दशा कर दी? छोड़ेंगे नहीं उन्हें, छोड़ेंगे नहीं। बहुत पीड़ा हो रही है। जो होना था सो हो गया। गुरुजी, आप पर प्रहार करने वाले दुष्टों के नाम बताइए ताकि उन्हें सजा दे सके। जो होना था सो हो गया। आप संत हैं, आप उन्हें क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हम उन दुष्ट अत्याचारी व दुर्व्यवहार करने वालों को सजा दिलाए बगैर नहीं बैठ सकते। देखिए, मैं साधु हूं, किसी को भी दंडित करना मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं किसी का भी नाम नहीं बताऊंगा। क्षमा, क्षमा। आप आराम कीजिए, सो जाइए, आराम कीजिए, आराम कीजिए। क्षमा करो इन्हें, क्षमा, क्षमा, क्षमा। लेकिन दूसरी ओर नदी के तट पर हुए पूरे घटनाक्रम को एक कुम्हारिन देख रही थी। उसने दौड़कर पूरे घटनाक्रम को गांव वालों को बता दिया। ये समाचार नगर में आग की तरह फैल गया और धीरे धीरे सभी नगरवासी स्थानक पर जमा होने लगे। वो हल्ला मच गया। समीप के पार्श्वती जैन धर्मशाला में विराजित खतर गच्छी श्वेतांबर मूर्ति पूजक संवेगी उपाध्याय श्री कविंद सागर जी भी वहां पधारे और पूज्य गुरुदेव श्री की क्षमाशीलता पर उनकी प्रशंसा की और वहां उपस्थित सभी लोगों को अपने कर्तव्य का बोध कराया। इस घटनाक्रम से सभी नगरवासियों ने संपूर्ण बाजार व कार्य बंद कर मस्जिद व मुसलमानों का पूरा मोहल्ला घेर लिया और उग्र भीड़ हिंसा पर उतर आई। पुलिस अधिकारियों से क्रुद्ध भीड़ काबू में नहीं आ रही थी। वे निराश होकर गुरुदेव श्री से भीड़ को नियंत्रित करने व माहौल को शांत करने का आग्रह करने लगे।
गुरुदेव श्री को जब स्थिति का पता चला तब वे वेदनापूर्ण हालत में भी दयाद्र होकर भीड़ को हिंसा नहीं करने व सभी को शांति धारण करने की प्रेरणा देने लगे। इस बीच मुसलमानों के कुछ प्रमुख लोग दया की भीख मांगते हुए तथा भविष्य में मछली न मारने की प्रतिज्ञा करते हुए गुरुदेव श्री के चरणों में समर्पण करके कहने लगे, तोबा पुकारे तुर्कणी बिस्मिल्ला रहमान, मछिया अब मारा नहीं, सिर पे धरी कुरान, जाना आपसे गुरुवर हमने, हर जीव है एक समान, क्षमा करो मरुधर केसरी, आप हो सबसे महान। गुरुदेव ने शांति स्थापित करने के लिए उनके सम्मुख तीन बातें रखी। बाणगंगा में अभी से बिल्कुल मछलियां पकड़वाना बंद करवा दीजिए। गुरुदेव श्री दया के सागर थे। मूक अमूक दोनों प्रकार के प्राणी को दुखी व पीड़ित देखकर उसकी सहायता करवाने का भरसक प्रयत्न करते थे। पुष्कर के निकट गनेड़ा नामक एक छोटा सा गांव है। पूज्य गुरुदेव श्री और स्वामी जी श्री पन्नालाल जी महाराज सा व अन्य साधुगण सहित विहार कर रहे थे। उसी समय जय मां चंडी चामुंडे, जय मां चंडी चामुंडे, जय मां चंडी चामुंडे, जय मां चंडी चामुंडे। अरे भाई, ये बकरे को कहां लेके जा रहे हो? आप अपने काम से काम रखो, अधिक 3-5 की तो आपकी साक्षी में इसकी बलि दी जाएगी। पशु बलि रुकवाई बाबो, बकरा भैंसा बंद किया, भैरु देवी भक नहीं मांगे, दुनिया ने उपदेश दिया, पशुरा प्राण बचावण एक दिन, खुदरी गर्दन पेश करी, जैन धर्म रो साचो जोगी, बाबो मरुधर केसरी। फलस्वरूप 3 दिन पश्चात दोनों गुटों में समझौता हुआ और उस दिन से प्रतिमा वाले चबूतरे पर सदैव सदैव के लिए बकरे की बलि चढ़ाना बंद हो गया। गनेड़ा के बाद गुरुदेव श्री तिलोरा पधारे, वहां पर भैंसे की बलि दी जाती थी। गनेड़ा का बलि प्रसंग ग्राम वासियों को पता ही था। गुरुदेव श्री ने अहिंसा का महत्व समझाया, परिणाम स्वरूप वहां के लोगों ने भैंसे की बलि देना सदैव के लिए बंद कर दिया। ऐसे अनेक स्थानों पर पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा से पशु बलि प्रथा बंद हुई। यहां समय अभाव के कारण उन सभी का विवरण देना असंभव है, अतः संक्षिप्त रूप में कुछ घटनाओं का आपको विवरण कर दिया है। आप श्री ने अनेक स्थानों पर स्वधर्मी बंधुओं द्वारा सहायतार्थ फंड कोषों की स्थापना करवाई और विशेष प्रसंग आने पर श्रावकों को सहायता के लिए प्रभावशाली प्रेरणा देते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें से कुछ एक का उल्लेख हम यहां करते हैं। वर्ष 1947 सादड़ी चातुर्मास के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन पर हिंदुस्तान आए विस्थापितों को बसाने की समस्या से देश जूझ रहा था। पंजाब से लाखों हिंदू परिवार अपना सब कुछ लुटाकर छोड़कर दीनहीन स्थिति में भारत आए थे। गुरुदेव श्री ने सभी संघों को विस्थापितों की सेवा करने व उन्हें बसाने आदि कार्य में जी जान से जुट जाने का आह्वान किया और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य मानकर सादड़ी, सहवाज, बगड़ी, सोजत, कुशालपुरा आदि अनेक संघों ने
जी खोलकर सहायता कार्यों में हाथ बटाया और सेवा की। समय समय पर आप श्री जीव दया मानव राहत संबंधी कार्य को करते रहने के लिए संघों का ध्यान आकर्षित करते रहते थे, जैसे ग्रीष्म काल में पानी की प्याऊ लगाना, शीत काल में रजाइयां, कंबल, स्वेटर आदि गर्म कपड़े बंटवाने का क्रम आज भी उनकी प्रेरणा से चल रहे हैं। विक्रम संवत 2019 फाल्गुन सुद पांचम को नागौर जिले के थामला गांव में श्री मरुधर केसरी ने श्री सुकन मलजी को दीक्षा प्रदान कर अपना शिष्य बनाया। आप श्री ने अपने पूरे जीवन काल में 66 चातुर्मास पूर्ण किए। आप श्री अपने संपूर्ण जीवन काल में अंत समय तक अपने सभी निजी कार्य स्वयं ही करते थे। पौष सुदी 14 मंगलवार दिनांक 17 जनवरी 1984 के दिन जैतारण में हमारे बीच से दूसरे लोक को अपनी दिव्य किरणों से प्रकाशित करने के लिए संथारे के साथ देवलोक गमन कर गए। आप श्री का जीवन और महाप्रयाण दोनों ही यशस्वी हैं। ऐसे परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री को शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। चिदानंद आनंद घन सहजानंद स्वरूप सम्यक समरस सोमिता भव्यभंत जग भूप गुरु मिश्री मरु केसरी जीवन प्राणाधार तव चरण स्थिर चित से नमन करूं शत दया अहिंसा परमारथ सू दशा सुधारी देसरी जैन धर्म को साचो जोगी बाबो मरुधर केसरी दया अहिंसा परमारथ सू दशा सुधारी देसरी जैन धर्म को साचो जोगी बाबो मरुधर केसरी पांगला पिंजरा पोला बकरा शाला बनवाई पशु पांगला पिंजरा पोला बकरा शाला बनवाई घणी ठोड़ गौशाला खोली चारा गाहों खुलवाई चिड़ी कबूतर मोर ढेलड़ी चिड़ी कबूतर मोर ढेलड़ी जीती चुगे हमेशरी जैन धर्म को साचो जोगी बाबो मरुधर केसरी जैन धर्म को साचो जोगी बाबो मरुधर केसरी। वर्ष 1991 में केंद्र सरकार ने जैन संतों में पहली बार पूज्य गुरुदेव श्री मरुधर केसरी पर डाक टिकट जारी किया, जिसे जैतारण में उपराष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने विमोचित किया। गुरुश्री के महाप्रयाण के बाद उनके बताए हुए आदर्शों और भविष्य के लिए संजोए गए सपनों को लोकमान्य संत शेरे राजस्थान प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत एवं मरुधरा भूषण शासन गौरव श्रमण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब बड़े ही सुंदर तरीके से आगे ले जा रहे हैं।
परम पूज्य रूप मुनि जी महाराज साहब कहते हैं, सर्वप्रथम मानव बनने की शिक्षा मेरे पूज्य गुरुदेव मोतीलाल जी महाराज ने महामानव बनने की शिक्षा दी और वैराग्य भाव प्राप्त करके उनके पास मैंने संयम लिया और उनका सानिध्य 6 वर्ष तक की रहा। उसके बाद मेरे चाचा गुरु मणोधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज के द्वारा सारे जीवन की प्रगति और ज्ञान ध्यान शिक्षा आदि सारा श्रेय मणोधर केसरी जी महाराज को है और उनके द्वारा मेरी तरक्की जीवन की तरक्की होती गई और आज इस जीवन के स्तर पर मैं चल रहा हूँ। ये सब दोनों महापुरुषों की मेहरबानी है और कृपा है। परम पूज्य रूप मुनि जी महाराज साहब का व्यक्तित्व बहुमुखी है। जहां इनमें कबीर की तरह फक्कड़पन है, वहीं आचार्य हरिभद्र सूरी की तरह समन्वयवादी क्रांत दृष्टा संत हैं और साथ ही जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र की भांति विराट हृदय के धनी भी हैं। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में गुरुजनों के आदर्शों पर चलते हुए जैन समाज के साथ साथ अन्य समाजों को भी जैन धर्म के सिद्धांतों से जोड़ा और पशु कल्याणकारी कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की। मुनिश्री का प्रभाव न केवल मरुधरा प्रदेश में है बल्कि पूरा देश उनके धर्म संदेशों से अभिभूत है। श्री रूप मुनि जी का पहला चातुर्मास संवत 2000 वर्ष 1943 में जालोर में हुआ। आप श्री ने अपने सहगुरु सलाहकार उप प्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब, ज्योतिष सम्राट श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब, कवि प्रवक्ता श्री अमरेश मुनि जी महाराज साहब एवं संपूर्ण शिष्य मंडल के साथ भारतवर्ष के राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल आदि प्रदेश के विभिन्न शहरों व गांवों में पद यात्रा कर धर्म संदेश की अमृतवाणी प्रदान की। अपने प्रवचनों में उन्होंने न सिर्फ व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का संदेश दिया बल्कि सबको साथ लेकर चलने व जरूरत पड़ने पर मानव मात्र के कल्याण के लिए कठोर निर्णय लेने से भी कभी नहीं हिचके। कठोर तपस्या के साथ ही मुनि श्री ने भी सबसे पहला प्रहार राजस्थान के मंदिरों में होने वाली पशु बलि पर किया। उनकी पहल पर पूरे प्रदेश में रोक लगा दी गई। यही नहीं, जनमानस ने भी खुद आगे बढ़कर इस कुप्रथा का तिरस्कार कर दिया। नाडोल स्थित प्राचीन आशापुरा मंदिर में हर वर्ष लगभग 2500 बकरों की बलि चढ़ाई जाती थी। उस बलि के स्थान के पास एक प्राचीन बावड़ी है जिसका पानी बहुत खारा था और उसे किसी भी प्रकार काम में नहीं लिया जा सकता था। जब श्री रूप मुनि जी महाराज साहब अपने जन्म स्थान नाडोल पधारे और लोगों ने बलि के बारे में इनको बताया, तब उन्होंने आशापुरा मंदिर के ट्रस्टी और गांव वालों को बुलाकर कहा, अगर आप इस पवित्र स्थल पर बलि देना बंद कर दें तो मां तो प्रसन्न होगी ही, साथ ही बावड़ी का पानी भी मीठा हो जाएगा। गुरुदेव के कहने पर ट्रस्ट ने पहले 1 वर्ष के लिए बलि रोकने का निर्णय लिया। कुछ महीनों के पश्चात ही बावड़ी के पानी से सिंचित पेड़ पौधे बढ़ने लगे और पानी धीरे धीरे मीठा होने लगा। इसके पश्चात वहां पर पूर्ण रूप से बकरा बलि को निषेध कर दिया, जो आज तक जारी है। इस प्रकार आपने दुजाना, बलाना, मुंडारा, किरवा, खिवांदी, चांगवा, नादाणा, भवाल माताजी, शीतला माताजी, भटियाणी जी, देवरी माताजी, सेठों की रियां, पीपाड़ सिटी, ढालोप, आउआ आदि अनेक गांवों में आपके उपदेशों से अनंत काल से चली आ रही बलि को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। आपकी ही प्रेरणा से तखतगढ़, बलाणा, सुमेरपुर, सिरोही, फालना, आउआ, चेलावास आदि अनेक मांसाहार ठाकुरों ने अपने परिवार सहित और अनेक रावणों के ठाकुरों ने भी सदा के लिए मांसाहार भोजन बंद कर दिया। आप श्री की प्रेरणा से
जैनों के साथ साथ जो जैन नहीं है वो भी तपस्या को बड़ी सहजता से स्वीकार करने लगे। श्री रूप मुनि जी महाराज साहब के आध्यात्मिक गुरु मरुधर केसरी का प्रथम दर्शन सहवाज में वर्ष 1944 में हुआ। सन 1995 में बोरुंदा गांव की घटना। यहां हिंदू मुसलमानों के बीच एक स्थान को लेकर करीब 50 वर्षों से झगड़े हो रहे थे। संयोगवश गुरुदेव श्री का जन्म उत्सव भी था। गुरुदेव ने संघ को अपना जन्म उत्सव मनाने के लिए एक शर्त रखी। जी, आप अपना जन्मदिन क्यों नहीं मना रहे हो? देखिए, ये जमीन का झगड़ा जब तक आपस में नहीं मिटेगा मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। ये जमीन का क्या करे, ये जमीन ही सारे झगड़े का मूल है। मैं इस छड़ी से जमीन पे लकीर खींचता हूँ, लकीर के इस पार की जमीन आपकी और लकीर के उस पार की जमीन आपकी, बोलो मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। रुक्मिणी जी महाराज साहब की जय। 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 मिश्री मल जी महाराज साहब की जय। मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब की जय। रुक्मिणी महाराज साहब की जय। मिश्री मल जी महाराज साहब की जय। रुक्मिणी महाराज साहब की। इसके बाद आज तक बोरुंदा गांव में इस जमीन को लेकर किसी प्रकार के कोई झगड़े नहीं हुए। 50 वर्षों से अधिक विवादित कार्य को गुरुदेव श्री ने एक पल में ही दूर कर दिया। उसके बाद दोनों समुदायों ने पूरे हर्ष उल्लास के साथ गुरुदेव श्री का जन्म उत्सव मनाया। दिनांक 19 अप्रैल 2013 के दिन शुभ दिन रूप रजत विहार भवन निर्माण के भूमि पूजन व शिलान्यास के पश्चात समिति के कुछ सदस्यों विशेषकर चेयरमैन श्री शांतिलाल जी सुराणा एवं निर्माण कार्य अग्रणीय श्री सुरेश चंद जी गुंदेचा की विनती पर बोरिंग खुदवाने के स्थल पर मांगलिक और आशीर्वाद प्रदान कर दूर से रजोहरण द्वारा दिशा व स्थान दिखाया। उस स्थान पर बोरिंग खोदा गया। आश्चर्य, महान आश्चर्य, जहां आसपास सभी क्षेत्रों में खारा पानी होने पर भी इस बोरिंग में मीठा पानी प्राप्त हुआ जो पीने और निर्माण कार्य के काम आ रहा है। आपने अपने जीवन में अनेक दीर्घ तपस्याएं भी की हैं। गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी की प्रेरणा पर आप श्री ने मौन सहित 55 उपवास की तपस्या राणावास के चातुर्मास में की तथा ब्यावर चातुर्मास में 34, सोजत, पाली, बगड़ी, जोधपुर, जैतारण, सादड़ी, कुशलपुरा आदि में मौन सहित मांस खमण आदि अनेक तपस्याएं की। आपने अब तक 200 से अधिक गौशाला एवं बकराशालाएं प्रेरणा मात्र से आरंभ करवाएं तथा आप श्री प्रतिवर्ष देश भर को अनेक गौशाला एवं अन्य संस्थाओं में गुरु भक्तों द्वारा करोड़ों रुपयों की सहायता करवाते हैं। आपकी प्रेरणा से स्कूल, अस्पताल, क्लिनिक, अनाथालय, महिला कॉलेज, रूप रजत विहार पाली आदि अनेक सामाजिक संस्थाएं आरंभ हुई जो निरंतर सेवारत हैं। 1986 में माउंट आबू में आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने इन्हें प्रवर्तक के पद से सुशोभित किया। 1994 में सादड़ी की एक धर्म सभा में उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने 36 कौम की जातियों को एक सभा में देखा तो अचरज में पड़ गए और सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये जैन संत नहीं बल्कि लोकमान्य संत हैं तथा गुरुदेव के आदेश पर राजस्थान सरकार द्वारा गाय व अन्य पशु को प्रांत से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी। वर्ष 2002 में विहार करते हुए जब वे मेरठ पहुंचे, वहां परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब व परम पूज्य उपाध्याय प्रवर विशाल मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा सहित 100 से अधिक साधु साध्वियों के बीच सुमति प्रकाश जी ने संबोधन में कहा,
कि ये लोकमान्य संत तो है ही, लेकिन साथ ही शेरे राजस्थान भी हैं। तभी से इन्हें लोकमान्य व शेरे राजस्थान की उपमा से संबोधित किया जाने लगा। वर्ष 2010 गुजरात में लिंबड़ी संप्रदाय के मुख्य संत श्री प्रकाश मुनि जी आदि ठाणा व हजारों श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में अपने प्रवचन में धर्म दिवाकर के पद से अलंकृत किया गया। वर्ष 2015 उदयपुर चातुर्मास में आप श्री के 90वें जन्म दिवस पर हजारों श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में श्री अमर जैन साहित्य संस्थान द्वारा प्रज्ञा पुरुषोत्तम के पद से अलंकृत किया गया। आपने श्रमण संघ व अनेक सम्मेलन का संचालन किया और श्रमण एकता की बात पर बल दिया। साथ ही वे एकीकरण संघ के प्रमुख सूत्रधार रहे। सादड़ी, बोनासर, सोजत, सांडेराव, अजमेर, पूना आदि अनेक सम्मेलनों पर आपका वर्चस्व रहा। आप श्री की मरुधर केसरी के समान कांठा प्रांत पर विशेष अनुकंपा है। साहित्य में आप श्री ने जैन रामायण सहित अनेक ग्रंथ, गद्य, छंद, दोहे, कविता आदि के 3000 से अधिक पृष्ठों की रचना की। मुनि श्री ने अपने शिष्य और शिष्याओं को दर्शन और साहित्य का गहन अध्ययन करवाया और साहित्य की सभी विधाओं में लिखने के लिए प्रेरणा दी, जिससे श्रेष्ठ साहित्य का सृजन संभव हो सका। साधना से कतराने वालों को उन्होंने जप और त्याग की साधना बताकर उनमें साहस का संचार किया। वर्ष 2015 उदयपुर चातुर्मास तक आप श्री के कुल 73 चातुर्मास हुए। श्रद्धेय गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब ने फरमाया कि कांठा प्रांत के 52 गांवों द्वारा आयोजित 2012 राणावास का चातुर्मास उनके अब तक के चातुर्मासों में सर्वश्रेष्ठ रहा तथा इसी चातुर्मास में मारवाड़ जंक्शन के रूप रजत विहार के निर्माण का निर्णय हुआ तथा 2016 में पूर्ण हुआ। जैन समाज के ऐसे महान संतों को बारंबार कोटि कोटि शत शत वंदन अभिनंदन है। जैनम जयति शासनम। मंगलं भगवान विदु, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूली भद्राद्याज इंद्रमोस्तु, मंगलं चत्तारी, मंगलं हरियंता, मंगलं सिद्धा, मंगलं सहु, मंगलं केयलिपणते दमो, मंगलं चत्तारी लोकोत्तमा, रिंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, सहु लोकोत्तमा, केयलिपणते दमो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं भवज्जामि, हरियन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धि शरणं भवज्जामि, सौ शरणं भवज्जामि, केयलिपणतं दमं शरणं भवज्जामि, चार शरणा दुखरणा वरं शरणा को ये वौ प्राणी आद्रे अक्षय समान सूर्य पूज्य गुरुदेव मदर केसरी मिश्री मंजी महाराज साहब, लोकमान्य संत सेवा रुक्त जी महाराज साहब, परम पूज्य पर सुपर मुनि जी महाराज साहब, ज्योतिष आचार्य तपस्वी रत्न मत मुनि जी महाराज साहब, हरि पर्वत मत मुनि अमरेश मुनि जी महाराज साहब, सभी साधु संतों की नित गुण गावो रे गुरुवर रे चरणा, शीश नवावो रे रूप गुण गावो रे, नित गुण गावो रे गुरुवर रे चरणा, शीश नवावो रे रूप गुण गावो रे, सुकन अमर सुहेत घणेरो हियो घणो हर सायो रे, सुकन अमर सुहेत घणेरो हियो घणो हर सायो रे, जय सिंह चरणारो जाकर गीत सुनायो रे, रूप गुण गावो रे, जय सिंह चरणारो जाकर गीत सुनायो रे, रूप गुण गायो रे, नित गुण गावो रे गुरुवर रे चरणा, शीश नवावो रे रूप गुण गावो रे, नित गुण गा
नवावो रे, रूप गुण गावो रे, रूप गुण गावो रे, गुरुवर रे चरणा शीश नवावो रे, रूप गुण गावो रे।